नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दो। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश घोषणा पर अमल, ग्रेजुएशन पास छात्राओं को जल्द मिलेंगे 50,000 रुपए। विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार फिर से बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। उस घोषणा पर अब अमल करते हुए जल्द ही छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा, उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा 100 करोड़ रुपए की राशि अधिक बांटी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि की बढ़ोतरी होने पर करीब 1.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को लाभ मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पिछले साल 1.5 लाख लाभुकों के आवेदन आए थे, जिनमें से 84,344 छात्रों को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है। बिहार में जल्द होगी 6,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू, नीतीश सरकार के मंत्री ने किया ऐलान। जहां बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने सरकारी नौकरी भर्ती पर बयान दिया है। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में राजस्व विभाग में 6,000 पदों पर लोगों की कमी है, जिस पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व विभाग में 6,000 पदों की कमी है, जिसमें जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने और खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी खबर, बिहार में अब हर दिन बनेगा 400 ड्राइविंग लाइसेंस, नए साल से पहले परिवहन विभाग का बड़ा तोहफा। जी हां, बिहार यूपी सहित कई राज्यों के लिए परिवहन विभाग ने नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट अब बिहार सहित कई राज्यों के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से अब लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का स्लॉट बढ़ा दिया गया है। अब हर रोज 400-400 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। यह फैसला लगातार बढ़ रहे एप्लीकेशन संख्या को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क में भी भारी कमी किया था। सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के शुल्क में 50 रुपए की कटौती की थी। अब बिहार में 790 की जगह केवल 740 रुपए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देने होंगे। तो इस तारीख को होगी बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। जहां बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बिहार के 35 जिलों में 888 केंद्रों में आयोजित होगी। जल्द ही परीक्षा के एडमिट कार्ड में जानकारी दी जाएगी। किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर अपडेट ले सकते हैं। अधिक उम्र होने के कारण कुल 782 उम्मीदवारों को अनर्हित किया गया है। इनकी लिस्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी की गई है। जगजीवन पर कोहरे का असर, रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 2 फरवरी तक किया रद्द। जी हां, कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया है। ये ट्रेन 16 दिसंबर से 2 फरवरी के बीच रद्द रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी ने बताया कि एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन के दिनों में भी कमी कर दी गई है। इसके पूर्व भी रेलवे ने 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि कम करने के साथ कई ट्रेन रद्द की थी। दानापुर आनंद विहार 16 से 31 दिसंबर तक रद्द की गई है। वहीं आनंद विहार दानापुर 17 से 1 फरवरी तक, आनंद विहार सीतामढ़ी 16 से 31 जनवरी तक, वहीं सीतामढ़ी आनंद विहार 18 से 2 फरवरी तक, कामाख्या आनंद विहार 16 से 31 जनवरी तक, आनंद विहार कामाख्या 18 से 2 फरवरी तक, अलीपुर द्वार दिल्ली 16 से 31 जनवरी तक और दिल्ली अलीपुर द्वार 18 से 2 फरवरी तक रद्द किया गया है।
बिहार में बारिश की संभावना, ठंड बढ़ने के साथ घना कोहरा छाने का असर। जहां बिहार के लगभग सभी शहरों में बादल छाए रहेंगे, इस वजह से घने कोहरे से निजात मिली है। सभी शहरों की दृश्यता में तेजी से सुधार हुआ है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बादलों की वजह से आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विदों का कहना है कि दो दिनों तक बादल के छाए रहने व आंशिक बूंदाबांदी के बाद अगले दिन यानी 17 दिसंबर से घना कोहरा छाने का असर है। मौसम विदों का कहना है कि कोहरा छटने के बाद कनकनी काफी तेजी से बढ़ेगी। अगले दो दिनों में न्यूनतम पारा में कोई विशेष बदलाव का आसार नहीं है, जबकि इसके बाद न्यूनतम पारा तेजी से नीचे आएगा। जनवरी से पूर्ण रूप से खोले जाए सभी निजी विद्यालय, स्कूल संगठनों ने की मांग। कोरोना महामारी से मिले राहत के बीच प्राइवेट स्कूलों को फिर से पूर्ण रूप से खोले जाने की मांग तेज हो गई है। स्कूल संचालकों का कहना है कि आज जब सभी संस्थान खुल गए हैं, ऐसी स्थिति प्राइवेट स्कूलों को भी पूर्ण रूप से खोल दिया जाना चाहिए। निजी विद्यालय संचालकों की स्थिति कोरोना काल में दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में सासाराम के निजी विद्यालय संचालकों की संस्था प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर SP वर्मा ने कल सासाराम में प्रेस वार्ता किया तथा कहा कि कोरोना के संक्रमण के कारण स्कूल के बंद रहने से शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के कारण पिछले 9 माह से प्राइवेट स्कूल बंद है। 2 माह पहले सीनियर क्लास के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लास शुरू करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी बीमारी के खौफ के कारण छात्रों की स्कूल जाने की संख्या बेहद कम है। 27 साल बाद आया फैसला, विष्णुपद मंदिर निजी संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। जी हाँ, गया का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर गयापाल पंडा समाज की निजी संपत्ति नहीं है, यह सार्वजनिक स्थल है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 27 साल पुराने मामले की सुनवाई के दौरान दी। 1993 में दायर की गई अपील में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को जीत मिली है। केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 वीरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने विष्णुपद मंदिर को सार्वजनिक स्थल मानते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया है। 1992 में गयापाल पांडा समाज को मिले एक तरफा फैसले के खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड के राजन प्रसाद ने 1993 में अपील की थी। पिछले कई साल से इस मामले पर सुनवाई रुकी हुई थी, पर पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले में फिर सुनवाई शुरू हुई। किसान बिल के विरोध में नवादा में वामपंथी दलों ने दिया धरना, कहा मोदी देश को अडानी अंबानी के हाथों में बेचने में लगे हैं। जी हां, किसान विरोधी तीनों काले कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के तहत एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान महासभा के संयोजक कामरेड किशोर प्रसाद, CPIM के जगदीश यादव और विपिन सिंह CPI के जनार्दन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी देश को अडानी अंबानी के हाथों में बेचने में लगे हैं। वहीं विधायक नीतू सिंह ने धरना पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान विरोधी तीनों काले कानून को रद्द किया जाए। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों से अविलंब वार्ता करने के बजाय आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को मानना होगा। उन्होंने कहा कि काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता व वामपंथी दलों के साथ मजदूर, नौजवान, छात्र और महिलाएं भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन में भाग लेगी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 425 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,43,673 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,614 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वही दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 195 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,321 तक पहुंच गया है।
बिहार में तीन फेज में होगा कोरोना वैक्सीनेशन, जाने कब लगेगा आम लोगों को टीका। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में तीन चरणों में टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में तीन चरणों में टीकाकरण तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। इसमें निजी व सरकारी क्षेत्र के अस्पताल के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी शामिल है, जबकि दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स में शामिल पुलिस कर्मी व अन्य सेवाओं के कर्मी शामिल है। तीसरे चरण में आम लोगों का टीकाकरण किया जाना है। आम लोगों के टीकाकरण को लेकर बड़ी संख्या में कोल्ड चेन मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। 28 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने बुलाई अपनी कैबिनेट की बैठक, सरकार में खींचतान की चर्चा गर्म। नीतीश कुमार ने 28 दिनों के बाद अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सत्ता के गलियारे में सरकार के भीतर खींचतान की चर्चा आम है। गौरतलब है कि 16 नवंबर को नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 17 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाना संवैधानिक बाध्यता थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक करके ही विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता था। नई सरकार बनने के बाद विधानमंडल का सत्र बुलाना संवैधानिक बाध्यता है। 17 नवंबर को भी औपचारिक बैठक के बाद नीतीश कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। राजधानी पटना के 7 रेस्टोरेंट पर गिरेगी गाज, कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे थे पालन। जी हां, राजधानी पटना के 7 नामी गिरामी रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण पटना के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट को बंद किया जा सकता है। सरकार की गाइडलाइन के बावजूद इन रेस्टोरेंट में काम करने वाले कुक और वेटर की कोरोना टेस्टिंग नहीं कराई गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1 हफ्ते पहले ही इन रेस्टोरेंट में जांच के दौरान पुराना गाइडलाइन का पालन होता नहीं पाया गया और इसके बाद इन होटलों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मियों की कोरोना जांच 1 सप्ताह के अंदर कराने का आदेश दिया गया था। पटना के जिन 7 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है उनमें बिरयानी महल के 2 ब्रांचेज, पुख्तान रेस्टोरेंट, आसमान रेस्टोरेंट और बेरी लोड के लजीज रेस्टोरेंट शामिल है। जल जीवन हरियाली योजना पार्ट 2 की शुरुआत, किसानों को नई तकनीक से खेती की सहूलियत देगी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार ने अपने नए पारे की शुरुआत के साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान की पार्ट 2 योजना की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत दूसरे साल के कार्यक्रम की शुरुआत कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत जलवायु के अनुकूल क्रॉप साइकिल का चयन, फसल कैलेंडर के मुताबिक सही समय पर बुवाई, जलवायु के मुताबिक फसल प्रभेद और उत्तम गुणवत्ता का बीज चयन करने, साथ ही साथ बुवाई की उत्तम तकनीक जैसे जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, रेज बेड, सीधी बुवाई, ड्रम सीडर और पक्ती में बुवाई का उपयोग करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ जल पोषक तत्व और खरपतवार आदि का समुचित प्रबंधन, मिट्टी और जलवायु की परिस्थिति के अनुसार फसल का वर्गीकरण और किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ कृषि की उन्नत तकनीक जानने और समझाने के लिए भ्रमण की भी सुविधा राज्य सरकार मुहैया कराएगी। लालू प्रसाद के पक्ष में खड़े हुए चिराग, जमानत को लेकर एलजीपी की भावुक अपील, राजद सुप्रीमो की तबीयत खराब, मानवाधिकार आयोग ले संज्ञान। जहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने की बड़ी मांग कर दी है। इस संबंध में लोजपा की तरफ से कहा गया है कि लालू यादव की तबीयत काफी खराब है, लिहाजा मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले। लालू जी की हालत को देखते हुए इस मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश देगी जिससे उन्हें जमानत मिल सके। आपके लिए आज का सवाल, हमारे देश में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।